तो भाई मैं आज जा रहा हूँ रंगीला राजस्थान घूमने के लिए, और बारिश का मौसम है तो हरियाली ही ज़्यादातर दिखेगी वहाँ पे, तो उसका भी लुत्फ़ उठाएंगे। अभी मैं बस स्टैंड पर हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। जब हम चंबल नदी ब्रिज से गुजरेंगे तो दिखाएंगे कि चंबल नदी अभी अपने विकराल रूप में है। भारी बारिश के कारण पानी का भराव बहुत है चंबल नदी में। मैं अभी चंबल नदी के ब्रिज से जब गुजरूंगा तो बस से ही वीडियो रिकॉर्ड करूंगा चंबल नदी का। चंबल नदी अपने कितने विकराल रूप में चल रही है। तो भाई बस आ गई है, अभी बस आ गई है, अभी बस में जा रहे हैं अभी हम। तो भाई बस नहीं जा रही है अभी, बस थोड़ा देरी से जाएगी। तब तक मैं कोई गाड़ी वाड़ी देख लेता हूँ, गाड़ी से अगर लिफ्ट मिल जाए तो लिफ्ट लेके बैठ जाता हूँ, नहीं तो जीप चलती हैं कुछ वहाँ के लिए। एक्चुअली मुझे धौलपुर जाना है, मैंने बताया नहीं अभी तक। तो भाई हमें एक मार्शल मिल गई है, बुलेरो है, इसी में जा रहे हैं। भाई साहब पानी तो यहाँ तक आ गया है इसका यार। तो भाई चंबल नदी आ चुकी है, ये देखिए पानी यहाँ तक आ रहा है। ये चंबल का ही पानी है, चंबल का है। ये तो समंदर बन गया यार पूरा, चारों तरफ पूरे भीड़ में चंबल ही चंबल है। बहुत चौड़ा है भैया, ये पेड़ आते हैं और गहरा भी, यहाँ पे गहराई भी बहुत है, यहाँ से तो अपन बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं। आज कल तो पानी ज्यादा है। ये देखो घर डूब गए, कल ये घर नहीं, ये घर डूब गए जी। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक तांडव कर रही है नदी इस समय। लोग देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे हैं। ये देखो साहब घर डूब गए, घर गांव डूब गए, ये गांव डूब गया पूरा पानी में। सब पानी जो स्कूल वगैरह सब, और भाई साहब छत दिख रही है बस। ओ भाई ये तो विकराल रूप में चल रही है इस समय तो। ये ब्रिज भी पूरा डूब गया बिल्कुल, ब्रिज डूब ही गया, बंद क्या होगा वो तो। अब ये तो नया ब्रिज है, इससे निकल रहे हैं ऊंचाई पे। पुराना वाला ब्रिज यहाँ पे था वो डूब गया है, और ये देखिए ये धार शायद दिख नहीं रही है अभी यहाँ से। यहाँ पे मीडिया और पुलिस इकट्ठी हो रही है, देखिए यहाँ पे वीडियो शुरू आएगी। और ये देखिए ये बहुत ही खतरनाक पानी यहाँ तक आ गया है। चंबल नदी अंदर रूम में बह रही है, पुलिस भी लगी है चारों तरफ, चारों आसपास के सभी गांवों को चला कर दिया गया है। तो भाई हम पहुंच रहे हैं धौलपुर, आपने देखा होगा अभी कितनी विकराल रूप में चल रही थी नदी। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं धौलपुर में, आपने भी देखा चंबल नदी का नज़ारा कितना खतरनाक है, कितना भयंकर रूप में चल रही है अभी चंबल नदी। अभी मैं बस देख रहा हूँ सरमथरा जाने के लिए, धौलपुर से सरमथरा जाने के लिए।